फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी कर रही आंगनबाड़ी सहायिका पर कार्रवाई के संबंध में एक ग्रामीण ने विभाग से मांग करते हुए कार्रवाई का भरोसा जताते हुए ग्रामीण ने बताया कि गांव रूनी चुरसई विकासखंड कमालगंज जनपद फरुखाबाद में आंगनबाड़ी केंद्र पर नौकरी कर रही आंगनबाड़ी सहायिका अशोका देवी फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी कर रही है। इससे पहले जाँच में उसके दस्तावेज फर्जी पाए जा चुके हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे उसके हौसले बुलंद है। पुनः फिर ग्रामीण ने कार्रवाई हेतु प्रार्थना पत्र दिया है। अयोध्या टाइम फरुखाबाद जिला संवाददाता विपिन सिंह चौहान के साथ मैं नैन्सी गौतम। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नाम है आपका? आलोक कुमार। कहाँ रहते हो? थाना कौन सा है? जानगंज। क्या मामला था जो आपने आज जिला अधिकारी महोदय को एप्लीकेशन दिया है? क्या पूरा मामला है बताइए। ये क्या नाम अशोका देवी सहायिका जो है, कहाँ की है ये? ये रूनी की। रूनी की। बिला कौन सा है? कमालगंज। कमालगंज। तो ये सहायिका अशोका देवी, इनका क्या है मामला बताओ। ये फर्जी नौकरी करती थी और इनके जो भी दस्तावेज है सारे फर्जी पाए गए हैं। अच्छा अच्छा, तो इसमें आपने जिला अधिकारी महोदय से पहली बार शिकायत की है? नहीं, हमने काफ़ी बार कर चुके हैं, लेकिन इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कार्रवाई नहीं हुई है? कोई भी मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट पाए गए तो उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इनके अधिकारियों को भी दिया, उनके क्या नाम जो भी लगता है इनका। कहाँ से आपने पता किया कि इनके फर्जी डॉक्यूमेंट पाए गए हैं? ये हमने उनके स्कूल से और बीएससी ऑफिस से भी पता किया, लेकिन उसमें फर्जी ही पाए गए। तो आप कैसे यकीन के साथ कह सकते हैं इनके फर्जी दस्तावेज हैं? हमने खुद मतलब बताइए, स्कूल से लिखा कर के बीएससी ऑफिस से लिखा कर सारे डॉक्यूमेंट। तो आपके पास उनके जो फर्जी होने के सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं? हाँ, हमारे पास। आपने जिला अधिकारी महोदय को उपलब्ध कराया है डॉक्यूमेंट? हाँ, सारे डॉक्यूमेंट कराए। तो उन्होंने आज आपने एप्लीकेशन दिया, उन्होंने क्या इस मामले में क्या कहा है आपसे? उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इस पर कार्रवाई होगी, जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या आप कहाँ जाएंगे फिर? मुख्यमंत्री आवाज जाएंगे हम। तो आप यहाँ से अगर आपको कार्रवाई नहीं होती है तो आप मुख्यमंत्री आवास जाएंगे? जब तक न्याय नहीं मिलेगा। जब तक